दे चुके हैं, हम सब दे चुके हैं। जब रेवती मैम आपको फोन करती है और कुछ पूछती है तो कोई ना नहीं कर सकता है, वो जवाब तो पहला हो ही गया आपका। बाकी 18 साल बाद क्यों आए वो मैं भी जानना चाहती हूँ। आई डोंट नो 18 साल बाद क्यों आए मुझे भी नहीं पता नहीं। ये क्या होता है कि जिंदगी हमें एक मोड़ पे ले जाती है और हम चलते जाते हैं, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं करने के लिए, एंड फिर सडनली यू फील दैट नहीं, जो मैं बहुत पसंद करती थी वो आज तक क्यों नहीं किया, एंड दैट हैपेंड अगेन। सो सलाम वेंकी इज दैट, एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बैक विद दिस, बिकॉज एवरी डे एवरी मोमेंट वॉज हैप्पीनेस। एंड अभी तो मैं चाहती हूँ, अभी बाल भी काट दिया क्योंकि मैंने कहा कि अभी एक्टिंग नहीं, अभी डायरेक्शन चाहती हूँ। आई डिड नॉट टेल हर ये किरदार कौन कर रहा है, बिकॉज देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड शी वाज अ बिग सरप्राइज, इट वाज अ बिग सरप्राइज, एंड वी एक्चुअली कैप्चर्ड दैट वीडियो, एंड शी वाज लाइक ओह यू शुड हैव सीन। अभी BTS में देखेगा आपको एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन क्या था, जब मैं आई थिंक पहले 5-10 मिनट के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो सब चल रहा था पहले 5-10। थैंक यू सो मच। जो रेवती मैन ने कहा आई थिंक वो बिल्कुल सही है, और जैसे उन्होंने कहा है अभी कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, देयर इज अ फ्लड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट्स गोइंग अराउंड, एंड बहुत सारी अच्छी पिक्चरें हैं जो हम थिएटर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आराम से बैठ के शायद नेटफ्लिक्स पे देखेंगे या जो भी है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू नो लाइक वी सेड वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्टैंड आउट, and that's the reason that we're here today. यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और हम यही चाहेंगे आप सबसे कि आप जाइए बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने नेबर से बात कीजिए, अपने यू नो पोस्ट इट, पब्लिश इट, शेयर इट, एंड मेक श्योर दैट एवरीबडी नोज अबाउट इट, सो दैट दे हैव द चॉइस एंड दैट दे नो दैट इट्स कमिंग। दिस विल कम आउट लेटर, बट लेकिन हम लोग शायद इंटरव्यू में बोले या जो भी है, बट वेंकटेश वॉन्टेड टू बी अ हीरो, yeah, he wanted to be a hero, he wanted to be in the movies, isliye to uska pura matlab you know that's where all the dialogues come from, wahan se dialogue shuru hote hain ke bol de mic le ha zindagi lambi nahi badi honi chahiye baba bahut shai aur ishan ji aapko love you all thank you I have to tell this story main कजोल को मिली, बट ऑफकोर्स वी हैव मेट बिफोर बिकॉज आई गेव माई वॉइस फॉर द मिनसारा कड़वु विच इज द तमिल ऑफ सपने। सो और आफ्टर ऑल दैट शी सेड रेवती आई एम लिसनिंग टू दिस बिकॉज इट इज यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फिल्म, सो आई जस्ट माइंड ठीक है आप सुन लो। फिर समीर जी जो बुरी चीज जो आपने आप अपने आप के बारे में सोच सकते हो या किसी के ऊपर विश भी नहीं कर सकते हो, किसी अपना मतलब किसी दुश्मन पे नहीं बोलोगे कि यू नो होने के लिए उनकी जिंदगी में, आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट आई डोंट नो इट्स द वे द स्क्रिप्ट वॉज रिटन, एंड आई हैव फेथ इन रेवती मैम बिकॉज उन्होंने पहली भी एक पिक्चर बनाई थी जो बहुत बहुत पहले, और उस वक्त जो पिक्चर बनाई थी वो मैंने देखी थी मुश्किल से, बट मैंने देखी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने सोच लिया था कि इफ शी एवर अप्रोचेज मी फॉर अ फिल्म, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव द गट्स टू से नो टू हर, बट इफ शी एवर अप्रोचेज मी फॉर अ फिल्म शी विल बी द काइंड ऑफ डायरेक्टर दैट आई वुड लव 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 टू वर्क विद, एंड इट्स शी हैज दैट एबिलिटी, एक मिनट खत्म करने दो, शी हैज दैट एबिलिटी टू टेक something that is to take a situation and to make it something extraordinary and in the most positive way possible, and I think that's why hum sab yahi bolte hain uske bare mein ki that you know Revati was such a positive person when I was saying that unhone zindagi mein I think pure schedule mein main kitne directors ke sath kaam kar chuki hu lekin
कहीं ना कहीं कहीं पे यू नो सब चिल्ला पड़ते हैं और उनकी गलती नहीं है. इट्स अ फ्रस्ट्रेशन. इट्स यू नो यू बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, यू आर टायर्ड, यू लूज योर टेम्पर एंड यू नो यू येल. कभी कभी एक्टर पे होता है, कभी कभी यू नो किसी और पे होता है और टेक्नीशियन पे होता है, कभी कभी होता है. लेकिन रेवती मैम को हमेशा हर दिन 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात को आपने कभी उनकी आवाज ऊंची नहीं सुनी, उनका चेहरा कभी शांत से ऊपर गया नहीं. और मैंने अगर कुछ जोक्स क्रैक करने की कोशिश भी की तो हंसी भी. तो आई थिंक शी इज दैट अमेजिंग अ पर्सन. और अगर जैसे आपने कहा है ये टॉपिक बहुत सीरियस है और हाँ हम सब ऐसे चीजों के बारे में सोच के डर जाते हैं, लेकिन आई थिंक रेवती मैम टुक द फियर आउट ऑफ दैट. उन्होंने डर निकाल दिया उस चीज से. एंड आई थिंक सलाम मैम की इज अबाउट दैट. इट्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ एंड लाइफ हैज टू बी बिग. जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी यू नो जिंदगी इतनी छोटी भी हो लेकिन हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इट. आपने कितनी वक्त आपने आप कितना वक्त जी चुके हो कि आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो. सो आई थिंक दैट्स द वंडरफुल पार्ट अबाउट द टॉपिक. आई थिंक रेवती मैम एज अ डायरेक्टर हैज डन अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब. जब आप पिक्चर देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, आज जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टेज पे स्टार, असली स्टार एंड ओनली स्टार कौन है.